हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो जैम 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली जो है लास्ट डेट जा चुकी है। जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया है, हो सकता है कि उस स्टूडेंट्स के कुछ करेक्शन रहे हों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जैम 2022 पोर्टल विल बी ओपनिंग ड्यूरिंग अक्टूबर 20 से 25। तो 20 से 25 अक्टूबर तक आप अपनी जो है क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ऐड एंड चेंज टेस्ट पेपर, मान लो अगर आपने एक ही सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है तो आप दूसरे के लिए भी भर सकते हो। चेंज ऑफ द डाटा रिलेटेड टू एग्जाम सिटी, अगर मान लो आपने गलती से किसी एग्जाम दूसरी एग्जाम सिटी भर दी तो आप एग्जाम सिटी भी चेंज कर सकते हैं। आप जेंडर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि गलती से कुछ भरा गया है। कैटेगरी PWD, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स एंड गार्जियन नेम, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो ये सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे आप इस इमेज के ऊपर करेंगे तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे हैं। चेंज फॉर द फ्लोइंग डू नॉट रिक्वायर्ड एडिशनल फी। अगर आप कैंडिडेट्स नेम चेंज करना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स और गार्डियन नेम चेंज करना चाह रहे हैं एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम, तो इनकी कोई एडिशनल फीस नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ पे जो है जेंडर चेंज कर रहे हैं, मान लो पहले आपने भर रखा था कि फीमेल और अभी मेल भर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूर फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, एडिशनल फीस फॉर चेंजिंग कैटेगरी और जेंडर लगेगी। जो भी मान लो पहले अगर आपने SC कैटेगरी से भरा था उसकी फ़ीस कम होती है, अगर आप जर्नल से भरेंगे तो उसकी फ़ीस लगेगी, है ना। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, एडिशनल फी फॉर चेंज इन द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी भरना चाहते हैं तो उसकी भी एडिशनल फीस रहेगी 300। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 20 से 25 अक्टूबर के दौरान जो है अपनी जो है ये जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो भी उन्होंने गलत फिल कर दी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना सा ही अपडेट देना था। बाकी और वीडियोज़ की और अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।